हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माय बिगेस्ट क्लासेज में। तो गाइज, बात करते हैं आज की टेस्ट सीरीज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है रत्नगर्भा, शरणमयी, वसुमती अथवा हिरण्यगर्भा। तो गाइज, पृथ्वी का पर्यायवाची हमारा रत्नगर्भा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। पर इससे पहले, अगले क्वेश्चन के पहले आपको एक बात कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। ऑप्शन हैं भाषी, भास, भास अथवा भास। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भास शब्द भाष धातु से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरुण का विपरीतार्थक शब्द है ना। ऑप्शन से मंद, वृद्ध, सुस्त अथवा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, तरुण का अर्थ होता है मतलब कोमल या यंग आप ले सकते हैं ना, तो इसका विलोम शब्द होगा वृद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन के अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, मतलब पतझड़ का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है वसंत, शीतल, सर्दी या विस्तार। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा पतझड़ का विलोम शब्द वसंत होगा, वसंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरीश में कौन सी संधि है, गिरिधन, ईश, है ना। ऑप्शन है गुड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि अथवा अयाधि संधि। तो इसमें दो सेम स्वर मिल रहे हैं ना, दो सेम स्वर मिल रहे हैं, गिरि प्लस ईश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन से आ आ, फा, भा, का, गा, था, धा। तो गाइज, अल्प प्राण कौन से होते हैं, पहला होता है, दूसरा छोड़ के तीसरा होता है, चौथा छोड़ के पांचवा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, का और गा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है, मतलब कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन से भस्म, हिंदू, चिन्ह। तो ये तो तीनों गलत लग रहे हैं, रॉन्ग लग रहे हैं, प्राण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राण, प्राण ही हमारा शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध शब्द चुनना है, वहाँ पर शुद्ध शब्द चुनना था, तो इसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन है कलश, पुण्य, रसायन या कल्याण। तो गाइज, इसमें अशुद्धि है पुण्य में, है ना, बी। पुण्य कैसे लिखा जाता है, छोटे ऊ की मात्रा लगती है, पुण्य ये सही है ना, ये हमारा सही है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। ऑप्शन से नशा, मद, निशान चिन्ह, नगर, शहर, नारी, स्त्री। तो कहीं नशा मद सही है, नगर शब्द, नगर अर्थात शहर सही है, नारी अर्थात स्त्री सही है, लेकिन हमारा आंसर कौन सा होगा, जो शब्द युग्म गलत होगा, है ना। तो कहीं ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है, मतलब आंसर के रूप में यही होगा, लेकिन इसमें गलती क्या है, इसमें गलती है कि ये जो निशान लगा हुआ है, अगर सपेरा वाली सा बनेगी तो इस निशान का मतलब होता है ध्वजा या पताका, और ये जो चिन्ह है इसको कैसे लिखेंगे, इसमें जो है गोल वाली सा बनेगी हमारी निशान, ठीक है गाइज। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संधि कितने प्रकार की होते हैं, मतलब संधि जो है कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन है एक, दो, तीन, सात। तो गाइज, संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने है, सुसप्ति, सुसप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, सुसुप्ति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ऑप्शन है सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत, सांसारिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्रोत, है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सिर तोड़ में कौन सा समास है। सिर तोड़ में समास बताना है आपको। ऑप्शन है करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष अथवा कर्म तत्पुरुष। तो गाइज, सिर तोड़ मतलब सिर को तोड़ना, है ना, सिर को तोड़ने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म तत्पुरुष समास। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास अथवा कर्मधारय समास। तो गाइज, महात्मा अर्थात महान है जो आत्मा, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास होगा। महात्मा में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है, मतलब इसमें से दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अलंकार का प्रकार होगा, है ना। ऑप्शन से छेकानुप्रास, शब्दानुकार, शब्दालंकार, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं।
तो गाइज इसमें शब्द अलंकार, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा है शब्द अलंकार और अर्थालंकार, तो शब्द अलंकार हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जबकि छे का अनुप्रास और लाटानुप्रास ये अनुप्रास अलंकार के ही भाग हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन हैं 10, 11, 12, 15। तो गाइज अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से रस के कौन सा भेद है, मतलब रस का प्रकार बताना है। ऑप्शन है करुण, रूपक, उल्लेख, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज हमारा रस कौन सा होता है, करुण रस होता है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन है गा, घा, पा, फा, डा, ढा, जा, झा। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डा और ढा हमारे मूर्धन्य व्यंजन हैं, मतलब टा वर्ग के सभी वर्ण हमारे जो हैं मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन से आ, आ, फा, फा, भा, का, गा, था, धा। तो गाइज अल्प प्राण बताना है, ऐसा कर चुके हैं क्वेश्चन हम पहले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से नाशिक व्यंजन कौन सा है। नाशिक व्यंजन है ना, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, नाशिक व्यंजन होता है। ऑप्शन से सा, सा, जा, गा, इया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इया जो है हमारा नाशिक व्यंजन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन कह रहा है कि अयोग वाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण बताने हैं आपको। ऑप्शन से ई, ई, उ, उ, अंग, आहा, और लास्ट ऑप्शन है हमारा आ, आ। तो गाइज अयोग वाह हमारे अंग और आहा होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन से पुनः, उत्साह, इलाहाबाद, दिल्ली। तो द्वितीय व्यंजन जो व्यंजन दो बार आया हो लगातार है ना, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, दिल्ली हमारा द्वितीय व्यंजन का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष और सघोष एक ही बात होती है ना, तो ऑप्शन से खा, ठा, मा या चा। तो गाइज प्रारंभ के दो वर्ण जो होते हैं वो अघोष होते हैं और लास्ट के तीन जो होते हैं वो घोष होते हैं ना, तो चा हमारा स्टार्टिंग में आता है, पा, फा, भा, भा, मा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है। ऑप्शन है खा, का, भा, धा। तो गाइज ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, अमानक वर्ण भा है हमारा, बाकी भाव कुछ अजीब तरीके का बना होता है, इसमें तो सही दिख रहा है, सही बना हुआ है, पर आंसर यही है हमारा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 50, 51, 52 या 53। तो गाइज 52 वर्ण होते हैं ना, मूलतः वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन से घोष वर्ण, मूल स्वर, तालव या संयुक्त। तो गाइज छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, चार संयुक्त वर्ण होते हैं, छा, त्रज्ञ और श्रा, श्रवण वाली श्रा है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। ऑप्शन से जा या हलंते, जा या जा प्लस न्या, जा प्लस धा। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हलंते जा प्लस इया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण है ना, ऑप्शन से सा, आ, जा, हा। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान है, का, खा, गा, घा है ना, का वाले वर्ग में आता है घा, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, दंत, तालु या कंठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ है ना, घा का उच्चारण स्थान कंठ है। चलिए आज की टेस्ट सीरीज के आखिरी क्वेश्चन के दर्शन करते हैं, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मतलब जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं कि अकारांत कहते हैं कि अंतःस्थ कहते हैं कि अयोगवाह कहते हैं। तो कहीं जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो अकारांत कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आज की टेस्ट सीरीज जो है इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। कैसा रहा आज का सेशन कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।